बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी टू। फर्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विद यू। रब्बी जिदनी इल्मा, My Lord, increase me in knowledge. I'm your teacher, Miss Annie. Today is Monday and date is 16 August 2021. Oxford Discover Student Book 2. Syllabus outline for first home assessment. हमने अपनी लास्ट क्लास में सिलेबस आउटलाइन डिस्कस कर ली थी और हमने अपना यूनिट नंबर 1 अमेजिंग एनिमल स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, हमें गेट रेडी वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए थे और आई होप आपने मेमोराइज भी कर लिए होंगे। एक्सरसाइज बी पेज नंबर 8 ये भी हमने डन कर ली थी। ठीक है, रीड द सेंटेंसेस, राइट द वर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज ए, ये भी हमने कम्प्लीट कर ली थी बुक में। ठीक है, सब बच्चों ने कर ली होगी, आई होप बुक में भी कम्प्लीट। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है जी जी बेटा, हमने ये वाली एक्सरसाइज कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी कर ली थी बुक में, कर ली थी हमने एक्सरसाइज कंपेयर एंड कंट्रास्ट। क्या होते हैं? टू कंपेयर थिंग्स वी टेल हाउ दे आर द सेम, जैसे कि एग्जांपल थी हनी बी और बर्ड जो है बोथ, इन दोनों के पास विंग्स होते हैं। ठीक है, सही है। टू कंट्रास्ट थिंग्स वी टेल हाउ दे आर द डिफरेंट, जब हम कंपेयर करते हैं तो चीजों को तो हमें पता चलता है कि किस तरह से चीजें आपस में एक दूसरे से रिजेंबल कर रही हैं और एक तरह किस तरह से चीजें आपस में एक दूसरे के साथ में सेम है। ठीक है, जब हम चीजों को कंट्रास्ट करते हैं तो हमें कैसे क्या पता चलता है कि वो किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक ये एक्सरसाइज भी हमने बुक में कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन की थी अमेजिंग एनिमल की। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको आई होप ये चैप्टर समझ आ गया, क्योंकि हमने फिजिकल क्लासेस में भी इसकी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन की थी। ठीक है, इसके बाद हमने एम्फीबियंस और मैमल्स को भी डिस्कस कर लिया था। एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों जगहों पे रहते हैं। ठीक है, सही। एम्फीबियंस जो होते हैं वो ब्रीथ कहाँ से करते हैं? ठीक है, वाटर के अंदर। आपको मैंने बता दिया था उनकी स्किन कैसी होती है, उनकी स्किन बहुत वेट सी होती है और वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं वाटर के अंदर। और बहुत सारे एम्फीबियंस जो है, क्या नाम है, वो कैसे होते हैं? उनके लेग्स होते हैं और दे लेग्स उनकी क्या हेल्प करती हैं? वो वॉक और जंप करने में लैंड पे उनकी हेल्प करते हैं। और एम्फीबियंस कैसे एग्स देते हैं? वो सॉफ्ट वॉक एग्स देते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, सही है। और वो कहाँ रहते हैं? वो लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहते हैं। मैमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे हेयर और फर भी होते हैं। ये बेयर देख रहे हैं आप, उसकी बॉडी पे आपको नजर आ रहा है ना फर है, तो ये क्या है? ये मैमल है। और वो एनिमल्स जो, क्या नाम है, अपनी बेबीज को ड्रिंक करवाते हैं मिल्क। ठीक है, और जो, क्या नाम है, पूरी उनकी होल बॉडी किससे कवर होती है? हेयर और फर से कवर होती है। ठीक है, कुछ मैमल्स जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं, कुछ जो है मैमल्स जो होते हैं वो लैंड पे रहते हैं और कुछ मैमल्स जो होते हैं वाटर मैमल्स भी होते हैं। ठीक है, सही है। वेल्स और जो, क्या नाम है, वेल्स जो है ना, वो एनिमल कौन सा है? वो वाटर मैमल है वो एनिमल। ठीक है, और कैट्स, रैबिट्स, गोट, लायंस, मंकी, बियर, पांडा, ये तमाम एनिमल्स कौन से हैं? ये लैंड मैमल्स हैं। ठीक है, सही है। उनकी पूरी बॉडी हेयर ऑफ फर से कवर होती है और वो उनकी बॉडी को क्या रखती है? हेयर ऑफ फर जो उनकी बॉडी को वार्म रखती है। ठीक है, मैमल्स जो होते हैं वो एग नहीं देते, वो जो है क्या नाम है, बर्थ करते हैं, बेबीज को बर्थ देते हैं। ठीक है, सही। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ओके, एक्सरसाइज बी फ्रॉम पेज नंबर 12। एक्सरसाइज बी फ्रॉम पेज नंबर 12, हाउ आर बर्ड्स एंड फिश द सेम, हाउ आर दे डिफरेंट, सर्कल सेम और डिफरेंट। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि बर्ड और फिश किस तरह एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और किस तरह वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, सर्कल सेम और डिफरेंट। सबसे आपने जो है क्या करना है, आपने सर्कल करना है सेम और डिफरेंट, के जो जो चीजें बर्ड की आपस में और फिश की आपस में मिलती जुलती हैं और जो चीजें उनकी डिफरेंट होगी, तो हम किस पे सर्कल करेंगे? डिफरेंट पे सर्कल करेंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, नंबर 1, हाउ दे ब्रीथ, हाउ दे ब्रीथ। अब यहाँ पे हमें बर्ड और फिश का हमें कंपेयर करना है। ठीक है, हाउ दे ब्रीथ, चले मैं आपको बता, बर्ड कहाँ से ब्रीथ करती है? आपने बर्ड की देखी है, आपने बीक देखी है उसकी,
उसकी पीक पे जो दो छोटे छोटे से होल्स होते हैं, स्मॉल से होल्स होते हैं उसकी पीक के ऊपर, उसे नॉस्ट्रियल भी कहते हैं, ठीक है। वो वहां से जो है ना वो करती है, ब्रीथ लेती है, ठीक है। अब बर्ड कहाँ से ब्रीथ करती है, उसके जो बीक के ऊपर छोटे छोटे से होल्स होते हैं ना, वो वहां से ब्रीथ करती है। और फिश कहाँ कैसे ब्रीथ करती है, फिश वाटर में गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, ठीक है। तो क्या ये सेम है और के डिफरेंट है, तो किस पे सर्कल आएगा, सेम पे आएगा डिफरेंट पे सर्कल आएगा, जी बताएं। डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि बर्ड जो है वो करती है ब्रीथ अपने जो नॉस्ट्रिल्स बीक्स के ऊपर जो दो उसके होल्स होते हैं ना वहां से ब्रीथ करती है, और फिश ब्रीथ करती है गिल्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे किस पे सर्कल करेंगे हम, डिफरेंट पे सर्कल करेंगे। अब बाकी 2, 3, 4 आप खुद करेंगे, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। हाउ दे ले एग, सेम डिफरेंट, हाउ दे ले एग। अच्छा, बर्ड और फिश कैसे एग देती है, हाउ दे ले एग। ये बर्ड है, ये फिश है। अच्छा, फिश तो जो है वो वाटर में रहती है, ठीक है। और बर्ड जो है वो कैसे एग देती है, बर्ड जो है वो आपको पता है एग कैसे, बर्ड का नेस्ट होता है वो उसके अंदर एग देती है, और फिश किसके अंदर एग देती है, वाटर के अंदर एग देती है। और उसके एग्स जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है। हाउ दे ले एग्स, ठीक है, सेम और डिफरेंट। अब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस पे आएगा, वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। 3, वॉट कवर्स देयर बॉडीज, जी उनकी बॉडी किससे कवर है, ठीक है। चले पहले हम बर्ड को देखते हैं, बर्ड वॉट कवर कवर्स देयर बॉडीज, बर्ड की जो बॉडी है वो किससे कवर है बताएं। फेदर्स है ना उसकी बॉडी पे कवर है, पूरी फेदर से कवर है ना बर्ड की बॉडी। और फिश की बॉडी किससे कवर है, स्केल्स, जी वेरी गुड। तो सेम है डिफरेंट है, जी आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाउ दे मूव, बर्ड तो फ्लाई करती है विंग्स की हेल्प से, फ्लाई करती है ना, और फिश क्या करती है, वाटर में स्विम करती है। तो क्या ये सेम है कि डिफरेंट पे सर्कल होगा, जी आई होप आप कर लेंगे, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन कह सकते हैं आप मुझे, ठीक है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आ जाते हैं हम बुक पेज नंबर 12 की एक्सरसाइज सी पे। ये हम बुक पेज नंबर 12 की जो एक्सरसाइज सी है ना, इसको हम बुक में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, बुक में ही क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, जी। आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू एम्फीबियंस लिव, वेयर डू एम्फीबियंस लिव, एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं, दे लिव ऑन लैंड एंड वाटर, दे लिव ऑन लैंड एंड वाटर। जब आप लिख रहे हो ना तो प्लीज काइंडली इसे लिखते लिखते पढ़ पढ़ के लिखिएगा, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, ठीक है। प्लीज आप लोग अपनी स्टडीज पे फोकस करें, और आप लोग मेमोराइजेशन चीजों को करना स्टार्ट कर दें, जो भी आपका डेली बेसिस पे वर्क हो रहा है। आपके एग्जाम्स के डेज में फिर आपके लिए इतना सारा लोड नहीं होगा, बल्कि आप अभी से याद करना शुरू करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा कि एग्जाम्स के डेज में आपकी तैयारी हुई हुई होगी, ठीक है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज सी, पेज नंबर 12, आंसर द क्वेश्चन, वेयर डू एम्फीबियंस लिव, दे लिव ऑन लैंड एंड वाटर, वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस। हाउ डू एम्फीबियंस मूव, एम्फीबियंस कैसे मूव करते हैं, वो वॉक भी करते हैं और जंप भी करते हैं। फ्रॉग को देखा है ना आपने जंप करते हुए, कैसे वो जंप करता है, यूं करके जंप लगाता है वो, है ना, वो कैसे लैंड के ऊपर जंप लगा रहा होता है, जी। 3, व्हाट डू मैमल्स हैव ऑल ओवर देयर बॉडीज, मैमल्स की बॉडीज पे क्या होता है, मैमल्स की बॉडी पे जी हेयर एंड फर होता है, मैमल्स हैव हेयर एंड फर ऑन देयर बॉडीज। बेटा इन्हें याद भी कर लीजिएगा, सिर्फ आप लोगों को मैं बुक और कॉपीज में जो काम करवाई ना, सिर्फ वो कॉपी बुक में लिखने से नहीं है, आपने उनको मेमोराइजेशन भी करना है, ताकि आपको बता दूं मैं, इनशाला इनशाला बहुत जल्द आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, आपके जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे। दूसरी चीज ये, आप अपनी कॉपी प्रॉपर मेंटेन रखें, ठीक है, सही है ना, आपको आपको स्कूल से आएगा मैसेज आएगा, फिर आपने कॉपी चेक करवाना है। और जिन बच्चों ने कोर्स नहीं परचेज किया है, काइंडली वो एज सून एज पॉसिबल कोर्स परचेज कर लें, ताकि वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने होमवर्क की तरफ, ठीक है। डू प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट अमेजिंग एनिमल एंड ऑल्सो डू मेमोराइज गेट रेडी वर्ड्स। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, आपको एक ही बात जो है आज भी रिपीट करूंगी, अगर आप रीडिंग में परफेक्ट है ना, तो आपको कोई भी चीज याद करना मुश्किल नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहूंगी, अगर आप जो है मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग, जो लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग थी, वो देखे आप,
वहां से रीडिंग, जिन बच्चों को प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम, जिन बच्चों को रीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे उसको देख देख के वीडियो को रीडिंग करें, ठीक है। और आपसे मैं बार बार कहूंगी रोजाना डेली एक पैराग्राफ रीडिंग का करें ताकि आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो गेट रेडी वर्ड्स पेज नंबर 8 पे है ना, वो मेमोराइज करें, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में वहीं से रिलेटेड आपके वर्ड्स है, ठीक है, सही। एंड डू मेमोराइज बुक पेज नंबर 8 एक्सरसाइज बी, बुक पेज नंबर 8 पे एक्सरसाइज बी जो रीड द सेंटेंसेस राइट द वर्ड फ्रॉम ए है ना, वो आपने मेमोराइज करनी है एक्सरसाइज को, ठीक है। बेटा मैं आपसे दोबारा कहूंगी, आप लोगों को जो भी डेली बेसिस पे काम करवाया जाता है, जिस सब्जेक्ट का भी करवाया जाता है, प्लीज काइंडली उसे याद किया करें, क्योंकि आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे ना, तो एग्जाम्स के डेज में आपके पास ज्यादा लोड नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी चीज कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी कंफ्यूजन होती है, आप मुझे बोले, मैं आपको दोबारा करवा सकती हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई क्यूरी आप मेरी तरफ से, आप लोग को कोई शिकायत है तो को बता सकते हैं, कुछ समझ नहीं आता कोई चीज में तो मुझसे आप कह सकते, ठीक है, सही है। कोट ऑफ द डे, एवरी डे इज अ चांस टू लर्न। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।